नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस जयपुर से। मैं पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि 23 में जो पिछले साल वाला जेईई मेंस का स्कोर था, उसमें कॉलेजों ने जो भी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग हुई थी, उसमें लास्ट ब्रांच कौन सी रैंक वाले को कितने रैंक पर और कितने परसेंटाइल पर मिली थी, या वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट जो इस बार जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, उसमें अगर आपकी जो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इस साल आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलने के चांस है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पर्टिकुलर हर कैटेगरी वाइज 23 में, प्रीवियस ईयर में, जो भी NITs ने लास्ट ब्रांच, होम स्टेट और अदर स्टेट, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले JEE, बेटा आपको ये पता है इसका नाम क्या होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका पहला फेज मैंने आपको पहले बताया था, JEE का पहला फेज होता है मेन्स, जो अपना हो चुका होता है। ये दो सेशन में होता है, एक जनवरी सेशन में होता है और एक अप्रैल सेशन में होता है। जब आप इन दोनों को कोई भी क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद मई के अंदर आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं एडवांस। ठीक है, ये होता है मेरा एडवांस। बेटा एडवांस जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको IITs मिलती हैं, और जब आप मेंस अच्छी तरह परसेंटाइल में क्वालिफाई करते हो तो आपको NITs, IIITs और GFTIS कॉलेज मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस होते हैं इंस्टीट्यूट, उसके बारे में। देखो, इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 23 IITs है। IITs कितने हैं? 23। IIT कब मिलते हैं? जब आप JEE एडवांस क्वालिफाई करते हो। और बाकी ये तीन कॉलेजेस कब मिल जाते हैं? जब आप JEE मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाते हो। आज हम बात करने वाले हैं NITs के बारे में। इंडिया के अंदर टोटल 32 NIT है, टोटल स्टेट, जितने भी स्टेट्स है हर स्टेट के अंदर एक NIT बना रखा है गवर्नमेंट ने। और उस NIT के अंदर आपको पता है कि जो एडमिशन होता है वो दो कोटा से होता है, एक होम स्टेट कोटा और एक अदर स्टेट कोटा। तो आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए, क्योंकि आप जितना अभी देखेंगे उस हिसाब से आपको काउंसलिंग होने वाली है। आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिसमें आप अपनी कॉलेजेस को अच्छी तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी देख सकते हैं। बेटा मैंने आपको बताया NITs को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। ये देखो 32 NITs। तो सबसे पहले फर्स्ट 10 NITs, टॉप 10 NITs को मैं Tier 1 में लेता हूँ। उसके बाद टॉप 11 NITs को मैं क्या लेता हूँ, इसमें Tier 2 में लेता हूँ, और रिमेनिंग NITs को मैं Tier 3 में लेता हूँ। ठीक है, अब सब NIT के अंदर, पहले बता दूँ, सारी NIT के अंदर होम स्टेट और अदर स्टेट दो कोटों से एडमिशन होता है। 50% बच्चे होम स्टेट के आते हैं और 50% बच्चे अदर स्टेट के आते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन सी आपकी परसेंटाइल के हिसाब से। पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी परसेंटाइल से कितनी परसेंटाइल के बीच में कौन कौन से आपको NITs मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं Tier 1 के बारे में बात करता हूँ। Tier 1 में हमारी टॉप 10 NITs है, उसमें NIT त्रिची है, NIT सूरतकल, राउरकेला, वारंगल, उसके बाद अलाहाबाद, जयपुर, कलिकट, नागपुर, कुरुक्षेत्र और NIT सूरत। ठीक है, Tier 2 में हमारे पास जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर, पटना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारे पास है शिवपुर, पुदुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं, तो आपको सबसे आसानी ये रहेगी कि क्योंकि जिस स्टेट में आप रहते हैं और अगर उसी स्टेट के NIT में आप जाते हैं, तो आपको एक होम स्टेट कोटे का एडवांटेज मिलता है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की परसेंटाइल पे कौन से NITs में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा। सबसे पहले बेटा NIT में रिजर्वेशन दिखा देता हूँ मैं, होम स्टेट कोटा जो मैंने बताया था, उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद जेंडर। तीन तरीके से हम रिजर्वेशन पॉलिसी को देखते हैं। होम स्टेट में 50% सीटें ओपन कैटेगरी और 50% सीटें जनरल कैटेगरी की रहती है। ठीक है, अब मतलब सॉरी 50% अदर स्टेट और 50% होम स्टेट। कैटेगरी में जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD, मतलब सारी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन इसमें है सीटों के हिसाब से। और फीमेल, एटलीस्ट 20% फीमेल कैंडिडेट रिजर्वेशन रखता है NIT रिजर्वेशन पॉलिसी में। आगे बढ़ते हैं बेटा Tier 1 की NIT। ठीक है, इसकी कट ऑफ दिखाता हूँ मैं आपको कि पिछले साल 23 में क्या कट ऑफ रही थी। Tier 1 ओपन स्टेट, मतलब अदर स्टेट कोटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। बेटा त्रिची में 1509 रैंक पर लास्ट सीट मिली थी, EWS को 241 पर, OBC को 429 पर, SC कैटेगरी, ये कैटेगरी रैंक हैं सारी, 268 पर, ST की कैटेगरी रैंक 51 पर और 99.9% के ऊपर। इसी तरीके से NIT सूरतकल में ओपन कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 1984, EWS 295,
ओबीसी की 666, एससी की 434, एसटी की 70 और परसेंटाइल 99.8 से ऊपर। एनआईटी वारंगल में 2413, 2413, 348, 792, 884, 174, 99.8 परसेंटाइल। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कैटेगरी के हिसाब से टॉप 10 एनआईटी में लास्ट सीट कौन से बच्चे को मिली थी, किसके लिए? सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं एससी या एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो एनआईटी दुर्गापुर में, कौन सी एनआईटी में? एनआईटी दुर्गापुर में 1891 1891 एससी कैटेगरी को क्या मिली थी? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से देखो होम स्टेट कोटा। अभी अभी बताया बेटा, होम स्टेट कोटा में 50% रिजर्वेशन तो बच्चों का होता ही है, मतलब होम स्टेट कोटा की जो कट ऑफ होती है वो कम, ज़्यादा कट ऑफ पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और मतलब जितनी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी तो भी आपको फ़ायदा ही रहेगा। इसी तरीके से ओपन कैटेगरी देखो, यहाँ पे 5164 और यहाँ पे अदर स्टेट पे कितनी मिली थी? 1509। आई समझ में कितना फर्क आ रहा है कैटेगरी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपका कैटेगरी वाइज है और जो आपको टॉप 10 कॉलेज में चाहिए उसमें लास्ट सीट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की किस जगह मिली थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा भी बेटा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको किस तरीके की ब्रांच और किस तरीके के कॉलेज में जो चॉइस चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके ही लिए है ताकि आपको अपनी काउंसलिंग में बेस्ट काउंसलिंग का एक मौका मिल सके, क्योंकि ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली आपको बच्चों को पता ही नहीं रहती है कि लास्ट ईयर किस कट ऑफ पर क्या कॉलेज मिला था। बच्चे क्या ब्लाइंडली काउंसलिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब अपने जो डिसीजन होता है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, टीयर वन में लास्ट ब्रांच बोल रहा हूँ बेटा मैं, आखिरी ब्रांच पर कौन सी सीट मिली थी ये देख सकते हो। त्रिची में प्रोडक्शन, एनआईटी सूरतकल में माइनिंग, वारंगल में बायोटेक, राउरकेला में फूड प्रोसेस, एमएनआईटी इलाहाबाद में बायोटेक्नोलॉजी, एनआईटी कलिकट में मटेरियल साइंस, एमएनआईटी जयपुर में मेटलर्जी एंड मटेरियल, वीएनआईटी नागपुर में माइनिंग, एसवीएनआईटी सूरत में सिविल, एनआईटी कुरुक्षेत्र में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी। ये ओपन स्टेट रैंक थी, ये होम स्टेट रैंक थी और परसेंटाइल देख लो। आई बात समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट ब्रांच अदर स्टेट कैटेगरी की देख लो वापस, इसमें अदर स्टेट की, वो होम स्टेट की थी ये अदर स्टेट की हो गई, ये भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट ब्रांच अदर स्टेट होम स्टेट कैटेगरी को जो टीयर वन एनआईटीज में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एनआईटी त्रिची के बारे में बात करते हैं बेटा, एनआईटी त्रिची जो है उसके अंदर कितने सब कोर्स चलते हैं? सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चलती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चलती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचें, ये सारी ब्रांचें हैं और ये सारी इनकी रैंकें हैं। आई बात समझ में आपको? चलो अब देखते हैं आगे बेटा, ये क्या है? ये है मार्क्स, ये आपके मार्क्स है आने वाले, ये क्या है यहाँ पे? मार्क्स, ठीक है। ये हो गया मेरा ओपन स्टेट और ये मेरा हो गया होम स्टेट, ठीक है। अभी अभी बताई थी ना 1509 पर ओपन स्टेट मिली थी, होम स्टेट 5100 पे मिली थी। मार्क्स 226 से 245, मतलब अगर आपके जेई मेंस में 245 से 226 से 245 मार्क्स हैं और आप एनआईटी त्रिची में चाहते हो तो आपको होम स्टेट रैंक इस तरीके से चाहिए जिस जो भी स्टेट में हो। जैसे मैं मान लूँ अगर मेरे को एनआईटी त्रिची और मैं त्रिची का रहने वाला हूँ, मान लो कि मैं त्रिची का रहने वाला हूँ और मेरे को सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, तो मेरी रैंक होनी चाहिए 33,703 होम स्टेट रैंक और देखो ओपन स्टेट 20,000, 10,000 रैंकों का फर्क है और मेरे मार्क्स 130 से 160, मतलब अगर आपके मार्क्स 124 मिनिमम चाहिए तो भी आपको इंडिया की टॉप मोस्ट एनआईटी में लोअर ब्रांच मिल जाएगी। आई समझ में? देखो कितनी इन्फॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट देखो एनआईटी सूरतकल में भी वापस देख लो, ये मार्क्स हो गए, ये मेरी होम स्टेट रैंक हो गई और ये मेरी ओपन स्टेट रैंक हो गई। बेटा 1984 कंप्यूटर मिला था और 3406 पर आपको होम स्टेट मिला था 207 से 241, मतलब अगर आपको एनआईटी सूरतकल में मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए कि आपको कोई ना कोई लोअर ब्रांच मिल जाए। इसी तरीके से आप सारी देख सकते हो, ये भी उसी का है। अब आगे बढ़ते हैं, एनआईटी राउरकेला, राउरकेला में ये ओपन होम स्टेट हो गई, ये ओपन स्टेट हो गई, ये आपके मार्क्स हो गए। आगे बढ़ते जाओ, एनआईटी राउरकेला में ये ब्रांचें हैं, बहुत सारी ब्रांचें हैं एनआईटी राउरकेला के अंदर, सीएसई, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अब देखते जाओ आगे बेटा, एमएनआईटी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ठीक है। एक है एमएनआईटी,
मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर में है, MNNIT इलाहाबाद के अंदर है। इसके अंदर भी देख लो होम स्टेट, ओपन स्टेट और ये मार्क्स, बेटा देखो कितना डिफरेंस आ रहा है होम स्टेट ओपन स्टेट की रैंकों में। ये देखो NIT इलाहाबाद, NIT इलाहाबाद में कुछ कुछ ब्रांचों में ऐसा होता है कि ओपन स्टेट की रैंक ज़्यादा और हम होम स्टेट की रैंक कम होती है, ये इसके मार्क्स हो गए। आगे बढ़ते हैं MNIT जयपुर, अगर मान लो कि मैं NIT जयपुर में रहने वाला हूँ और मेरे को केमिकल चाहिए, तो मेरी बेटा इसमें देखो थोड़ा सिस्टम थोड़ा उल्टा चलता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे होम स्टेट और ये ओपन स्टेट, ये हो गए मेरे मार्क्स। अब सुनो बेटा ये जयपुर MNIT जयपुर की कहानी है। MNIT जयपुर में होम स्टेट के बच्चों को हमेशा नुकसान होता है, मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कैसे, क्यों, क्योंकि बेटा जयपुर है राजस्थान के अंदर और राजस्थान में ही है कोटा जिसको बोलते हैं हम शिक्षा नगरी। सारे बाहर के बच्चे राजस्थान आते हैं और डमी पढ़ाई करते हैं 11th 12th में, मतलब 12th बोर्ड वो राजस्थान जोन से पास करते हैं, तो उनका होम स्टेट क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब इतने सारे बच्चे अगर होम स्टेट राजस्थान का लगाएंगे तो सीटें तो अपन को 50% ही देनी है, इसीलिए यहाँ पे होम स्टेट की रैंक चल जाती है ऊपर और अदर स्टेट की रैंक रह जाती है नीचे, मतलब अदर स्टेट को कम रैंक पर भी MNIT जयपुर में मिल जाता है और होम स्टेट वाले को उतनी रैंक पर भी MNIT जयपुर नहीं मिलता। ये बहुत इन्फॉर्मेशन है बेटा आपके लिए, ये काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ आएगी, क्योंकि इसमें मार्क्स भी गिवन है, अगर आपके कितने से कितने मार्क्स है तो आपकी होम स्टेट रैंक ये आएगी और आपकी अदर स्टेट रैंक ये आएगी। चलो NIT कलीकट देख सकते हो, ये हो गई मेरी होम स्टेट, ये हो गई मेरी अदर स्टेट, ये हो गई मेरे मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं VNIT नागपुर, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, VNIT नागपुर हमेशा टॉप 10 NIT में रहता है। इसमें भी ये देख लो जो कंप्यूटर साइंस चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, इनमें ये हो गया मेरा होम स्टेट, ये हो गया मेरा अदर स्टेट, ये हो गया मेरे मार्क्स। आगे बढ़ते जाओ NIT कुरुक्षेत्र, NIT कुरुक्षेत्र भी टॉप 10 इंजीनियरिंग टॉप 10 कॉलेजों में ही आता है NITs के अंदर। ये मार्क्स, ये मेरे होम स्टेट रैंक हो गई, ये मेरी ओपन स्टेट रैंक हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ SVNIT सूरत, बेटा SVNIT सूरत बहुत अच्छे एकमात्र ऐसा NITs में से एक है जो सबसे ज़्यादा फंडेड कॉलेजों में से माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है कॉलेज, और वैसे भी रिसर्च के लिए मैं पर्सनली बताऊँ आपको, अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, केमिकल जो आपको कोर ब्रांचें होती है इस SVNIT सूरत की कोर ब्रांचों में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। देखो टीयर टू की बात करते हैं, टीयर टू में आप देख लो वही मेरी ओपन स्टेट कैटेगरी की रैंक है CSE कंप्यूटर साइंस के लिए, और ये मेरी होम स्टेट की रैंक है, ये आप सब देख सकते हो। आगे बढ़ो टीयर टू में लास्ट ब्रांच कौन सी, NIT भोपाल, ये सारी कॉलेजों में देख लो लास्ट ब्रांच कौन से रैंक वाले को मिली थी, परसेंटाइल उसका क्या था, लास्ट ब्रांच अदर स्टेट ओपन स्टेट में, अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, जो लास्ट ब्रांचें रही है कॉलेजों में ये देख लो आप कौन सी ब्रांच को मिला है, लास्ट ब्रांच अदर कैटेगरी के लिए भी देख सकते हो आप। अब टीयर टू की NIT जमशेदपुर आती है, ये मेरी हो गई होम स्टेट रैंक, ये हो गई मेरी ओपन स्टेट रैंक और ये हो गए मेरे मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा आया नहीं है इसका डेटा, लेकिन हम PDF अपलोड करेंगे, आप उस पर देख सकते हो सारा डेटा। NIT भोपाल, NIT भोपाल में भी ये भी मिस हो गया, सॉरी ये हो गई मेरी होम स्टेट रैंक, ये मेरी हो गई ओपन स्टेट रैंक, इस तरीके से आप देख सकते हो। NIT दिल्ली में होम स्टेट, ओपन स्टेट और मार्क्स। NIT दुर्गापुर अच्छा कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। NIT जालंधर, NIT जालंधर भी एक अच्छा कॉलेजों में से एक माना जाता है NITs के अंदर, इसकी भी आप ब्रांच देख सकते हो। ये हो गई मेरा NIT जालंधर की अदर ब्रांचेस, मतलब NIT जालंधर अच्छी खासी ब्रांचेस रखता है आपको, आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। NIT हमीरपुर, बेटा हिमाचल प्रदेश में है, अच्छा कॉलेज है बहुत, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। ये इसकी होम स्टेट रैंक हो गई, ये इसकी ओपन स्टेट रैंक हो गई, ये इसके मार्क्स हो गए। इसमें ब्रांचें देख लो बहुत सारी ब्रांचें हैं। NIT गोवा, यहाँ तो हर कोई बच्चा जाना ही चाहेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको होम स्टेट रैंक, ओपन स्टेट रैंक और इसके मार्क्स देख लो बेटा, होम स्टेट रैंक ज़्यादा है इधर, कम ये कम चाहिए। आगे बढ़ो NIT रायपुर, ये आप मार्क्स हो गए, ये हो मेरी ओपन स्टेट होम स्टेट रैंक हो गई, ये मेरी ओपन स्टेट रैंक हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो NIT सिलचर के बारे में, NIT पटना, NIT आंध्र प्रदेश, इसके बारे में भी आप देख सकते हो होम स्टेट ओपन स्टेट। एक चीज़ और देखो आप, NIT आंध्र प्रदेश में होम स्टेट और ओपन स्टेट की रैंकें ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रही है, क्यों, क्योंकि जो अभी अभी मैंने कोटा वाला एग्जाम्पल बताया ना वो आंध्र प्रदेश के लिए भी होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो तेलंगाना है, हैदराबाद है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर के आके JEE की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों का जो साउथ के बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका होम स्टेट क्या लग जाता है, आंध्र प्रदेश लग जाता है। इसी वजह से होम स्टेट और अदर स्टेट की रैंकें ऑलमोस्ट बराबर बराबर में मिलती है। Tier 3 के NITs में आप देख सकते हो, जो अपने लास्ट होम स्टेट की कोटा था कंप्यूटर साइंस का, होम स्टेट का कोटा है, सारा डेटा देख सकते हो यहाँ पे मेरे साथ।
लास्ट ब्रांच किस कैटेगरी में मिली है, ओपन कैटेगरी में लास्ट ब्रांच मिली है जो अदर कैटेगरी में EWS OBC SC ST, ये टीयर 3 NITs के बारे में बात कर रहा हूँ। टीयर 3 NITs के अंदर आगे बढ़ते हैं, IIST शिवपुर, ये इसमें देख सकते हैं होम स्टेट अदर स्टेट की कट ऑफ कैटेगरी। NIT पुडुचेरी में देख सकते हैं आप, ये मार्क्स हो गए, ये मेरी होम स्टेट हो गया, ये मेरा अदर स्टेट हो गया। आगे बढ़ते जाओ NIT उत्तराखंड, NIT उत्तराखंड में भी देख सकते हो आप, ये मार्क्स हो गए, इसका भी हम डिस्प्ले कर देंगे मार्क्स बाद में। ये हो गया मेरा होम स्टेट, ये हो गया मेरा अदर स्टेट। आगे बढ़ो बेटा, NIT मेघालय देख सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस ब्रांच कितने पे मिली थी होम स्टेट वाले को, अदर स्टेट वाले को। NIT अगरतला ये देख सकते हो आप, इससे आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि आपको एक एक चीज़ें पता लग गई कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको जो अपनी काउंसलिंग करवानी है वो किस तरीके से करवानी है। NIT सिक्किम ये देख सकते हो, होम स्टेट हो गया, ये हो गया अदर स्टेट, ठीक है। तो ये सारे ऑल इंडिया के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। ये सिक्किम का ही था। NIT मणिपुर हो गया, इसमें भी होम स्टेट अदर स्टेट मार्क्स ये देख सकते हो आप। NIT नागालैंड में देख सकते हो, इसमें क्या है बेटा, होम स्टेट नहीं है, होम स्टेट नहीं है, नागालैंड में अदर स्टेट की सीट है। उसके बाद NIT मिजोरम ये देख सकते हो आप यहाँ पे सारा। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया है कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 NITs में कौन कौन सी NITs आती है, लास्ट ब्रांच कौन सी कैटेगरी की कितनी रैंक पर मिली थी, होम स्टेट वाले को क्या फ़ायदा होता है, अदर स्टेट वाले को क्या फ़ायदा होता है। बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूज़ करेगी जब आपकी अपनी काउंसलिंग होगी। तो आप अभी सबसे पहले JEE एडवांस की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए ताकि हम इन कॉलेजेस में नहीं IIT में एडमिशन ले सकें। मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस जयपुर मानसरोवर से। थैंक यू।